हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे ईएमआई का एक बेसिक सा क्वेश्चन, आइए इस लेक्चर में हम एक नया टाइप का प्रॉब्लम लेके आए हैं और इसमें भी स्विच पे ही बेस्ड है। और इस टाइप का हम एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे, तो होपफुली दोनों क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इन दोनों में डिफरेंस है। अब आइए क्या है। तो स्विच S1 एंड स्विच S2 आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली, मतलब इस बार इस दोनों को हम क्या करेंगे, ये अभी ओपन है तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्लोज्ड कर लेंगे एट T=0 एंड ए करेंट स्टार्ट टू फ्लो इन द सर्किट। तो इसमें करेंट होगा, फ्लो होगा। अब ध्यान से देखिए, इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे बिटवीन द इंडक्टर्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो दो इंडक्टर्स यूज किया गया है, इसको आप ले लीजिए, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज R1, दिस इज R2, और इसमें दो सेल हम यूज किए हैं, दोनों का ईएमएफ दैट इज इक्वल टू बी, बट अपोजिट इन देयर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये कि इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट, यहां नेगेटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट। तो क्या है, वैल्यू सेम है बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो और आपसे क्या पूछ रहा है, करंट आई इन द वायर रीचेज इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, आई मैक्स आपसे पूछा है, आई मैक्स। तो मैक्सिमम करंट पे हम पिछले लेक्चर में भी बहुत सारे, मतलब पिछले लेक्चर में जो हम क्वेश्चन लिए थे, जो कि वो भी आपको 2015 में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब कोरिलेट करना बस डिफरेंट है, बाकी सारा कंसेप्ट जो हम पहले बताए हैं वही इसमें भी हम बताएंगे। आई का एक बहुत ही बेसिक सा ये प्रॉब्लम है, नॉट ए बिग चैलेंज, बट ये आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो सकता है। अब क्या किए हम, इसको स्विच को हम क्लोज किए, क्लोज द स्विच S1 एंड S2 साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को एक ही साथ हम क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, R1 का वैल्यू, दोनों का जो रजिस्टर हम यूज किए हैं, दोनों का रजिस्टर का वैल्यू R ही है। अब इसमें जो हम इंडक्टर यूज किए, ये L है और उसका वैल्यू क्या है, 2L है, मतलब इससे डबल इंडक्टेंस है। और याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहाँ पे हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होगा ही है, इसके वजह से इसमें, इसके वजह से इसमें, तो इसके वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इसके वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये हम जब बता रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन, तो वहां पे हम किए थे, जबकि इस क्वेश्चन में पहले दे दिया है कि इग्नोर करना है, तो अपने को वहां पे नहीं सोचना है। अब सपोज दैट यहां से आई करंट आया, अब इसको या तो आप यहां से सोचिए कि यहां से निकला और ये करंट यहां से निकला, तो इसमें इधर से आएगा और इसमें इधर जाएगा, तो आप ऐसा समझिए कि दो करंट है यहां से, सपोज इट आई करंट निकला। अब इसको दो रास्ते यहां मिले, एक तो इधर और एक इधर जाएगा। आप वैसे भी समझिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा रिलीज होता है, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो डायरेक्शन कुछ भी हो, आपको आपको पूछना, आपको निकालना क्या है, आई मैक्स, मतलब इसमें मैक्सिमम करंट कब पहुंचेगा, क्योंकि हम इसमें यूज किए हैं इंडक्टर। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट, हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जब ये स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा, स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट में इसमें क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है कब, और ये जो इंडक्टर है, जो यूज करते हैं इंडक्टर, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए वायर, ये इस पे हम बहुत डिटेल एनालिसिस किए हैं, तो वो आपको उस वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई मैक्स का वैल्यू बताइए। ये इस वाले सेल से, सेल का वैल्यू दोनों का सेम है, बट ओरिएंटेशन अपोजिट अपोजिट है, तो इधर जो पॉजिटिव है प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, सेल दोनों सेम है और उसका ईएमएफ वी वी है। सपोज दैट यहां से I1 करंट निकला,
तो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है। एग्जैक्टली यहां से भी हम निकाल लेते हैं इसके पॉजिटिव प्लेट से, सपोज दैट I2 करंट रिलीज हुआ, यहां से I2, यहां से I1। अब क्या होगा, ये आएगा यहां तक I1, और ये यहां तक आएगा, तो ये वापस से इधर, क्योंकि करंट I1 उधर से जा रहा है तो यहां भी I1 ही रहेगा, सो दिस इज I1। और इधर से आएगा वो आएगा आपका I2, तो इधर I1, इधर I2, तो इस डायरेक्शन में जो करंट जाएगा, तो इधर I1 टोटल, तो ये आपका हो जाएगा I2 माइनस I1। अब कुछ भी हो सकता है, I2 माइनस I1, I1 में, अब किसका वैल्यू ज्यादा है, अब ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस तो सेम है पर यहां पे इंडक्टेंस तो अलग अलग है, एक L है और एक 2L है, तो कि I2 माइनस I1 होगा या I1 माइनस I2 होगा। अब क्या होगा मुझे पता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगा बस, यहाँ तो या तो I1 ज्यादा है या I2 ज्यादा है, वो अपने को लास्ट में आ जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि I1 माइनस I2 लिखे या I2 माइनस I1, कुछ भी लिखे लास्ट में हमको क्या निकालना है, वहां पे हम नेगेटिव साइन आ जाएगा उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, हमको तो मैग्नीट्यूड से लेना है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, इस सेल से I1 करंट निकला, इस सेल से I2, सपोज दैट इट्स से I2 निकला, तो ये I2 यहां तक पहुंचेगा और इधर से ये I1 आएगा, तो यहां पे बचेगा I1 माइनस I2। अब ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट Imax का वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट कहां होगा, तो मैक्सिमम करंट तो इसमें होगा क्योंकि मैक्सिमम करंट उधर फ्लो करना चाहता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो, और सबसे कम रेजिस्टेंस इसी में है, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इट्स जस्ट ए वायर, तो करंट इसमें भी मूव कर रहा है, I1 भी है, I2 भी है, और लास्ट में करंट I भी है, I1 है, I2 है, तो हमको क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैक्सिमम करंट फ्लो किसमें होगा, करें इस पॉइंट को हम, लेट्स दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ, सो मैक्सिमम करंट आई मैक्स, अगर ये पूछे कि कहां मैक्सिमम करंट होगा, तो मैक्सिमम करंट वही होगा जिधर रेजिस्टेंस कम होता है, सो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे मैक्सिमम करंट होगा किस पॉइंट पे, तो पॉइंट इज जस्ट ई एंड एफ। अब कुछ भी हो सकता है, या तो ध्यान से देखिए अपोजिट ओरिएंटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2, दोनों चीज हो सकता है, अब किसका करंट ज्यादा है वो पता नहीं है, तो लास्ट में हम उसको देख लेंगे। तो आई मैक्स का वैल्यू यहां से आपका आ गया, तो आई का वैल्यू, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, किसमें करंट फ्लो इन दिस पार्ट दैट इज ई एंड एफ, क्योंकि इसी में सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो होगा, तो आई मैक्स इस वाले पार्ट में ही होगा, ये अपने को पता चल गया। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू ई एफ पार्ट, इस पॉइंट में होगा मैक्सिमम करंट। अब क्या हो जाएगा, उसको आई मैक्स लिख लेते हैं, अब वो उसको हम कुछ देर के लिए आई ले लेंगे, लास्ट में उसका मैक्सिमम हम निकाल लेंगे, तो उसमें करंट जो पास कर रहा है इसमें उसको हम ले लिए, सपोज दैट दिस इज आई दैट इज आई टू माइनस आई वन, तो ये आपका आ गया करंट, और किस पार्ट में होगा मैक्सिमम, इसमें होगा, क्या होगा आई टू माइनस आई वन या आई वन माइनस आई टू, अब जिसका वैल्यू ज्यादा हो वो डोमिनेट करेगा, अगर नेगेटिव आ जाए इसका वैल्यू तो आप समझ जाइएगा कि आई वन ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब आई टू ही ज्यादा है, तो अब यहाँ पे आई टू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आई टू का वैल्यू जैसा कि आपको पता है आई नोट इन टू वन माइनस एक पावर टी बाई टॉ, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, आई नोट वन माइनस एक पावर माइनस टी बाई टॉ, यहाँ टॉ क्या है,
टाउ आपको बता चुके हैं, ये आपका टाइम कांस्टेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट कितने टाइम के बाद आएगा ये भी आपका इसमें क्वेश्चन है। तो ये आपका आ गया आई करंट, दैट इज आई टू माइनस आई वन। आई नोट क्या है, आई नोट मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज वी है, रेजिस्टेंस आर है, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, ये आई नोट हो जाएगा। आई नोट दैट मीन्स पीक करंट, पीक करंट। अब इस वाले पार्ट में घूम रहा है तो ये इस वाले पार्ट का मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट वोल्टेज वी है, रेजिस्टेंस आर है। एग्जैक्टली इसमें भी मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, आई पीक करंट आई नोट, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सएल है जिसका पोटेंशियल वी है, और एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो मैक्सिमम करंट यही होगा। तो आई नोट का वैल्यू सिंपली हम क्या लिख देंगे, वी बाय आर। अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस ई का पावर टी माइनस टॉ। टॉ क्या हो जाएगा, आरसी एलआर सर्किट है, तो टॉ का वैल्यू एल बाय आर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपका हो जाएगा टी बाय एल बाय आर लिखेंगे तो ऊपर आर चला जाएगा और नीचे एल हो जाएगा। अब एक के केस में एल एल होगा, एक का टू एल है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका कॉमन आ गया आई नोट, और बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये माइनस होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हम क्या किए, कॉमन लिए तो ये माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस। और आई नोट का वैल्यू दोनों केस में, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, सेल भी सेम है, तो बस ओरिएंटेशन अपोजिट है, तो यहां से आपका आ जाएगा टी बाय टॉ, फिर टॉ का वैल्यू लिखेंगे एल बाय आर, तो ये आपका हो जाएगा आर बाय एल। तो यहां पे इसमें हो जाएगा टू एल, इसमें हो जाएगा एल, तो ये आपका आ गया। और इसका क्या चाहिए मैक्सिमा, तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली वी बाय आर। अब ये वाला आ जाएगा पहले, तो माइनस टी बाय आर बाय टू एल माइनस ई का पावर माइनस टी बाय आर बाय एल, तो ये आपका आ गया। अब इसको आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, आई मैक्स चाहिए। तो जब भी आपको मैक्सिमा का कंसेप्ट हो, तो मैक्सिमा के लिए हम हमेशा यूज करते हैं डी आई, इसमें जो करंट हो वो मैक्सिमम हो, तो डी आई बाई डी टी, और भी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम का फंक्शन वो होना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट, तो डी आई बाई डी टी दैट बिकम्स जीरो। तो जब भी मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों केस में हम यूज करेंगे। तो ये फिजिक्स के लिए फंडामेंटल सा ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं, हर बार जब आपको मैक्सिमा है, मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, मैक्सिमम और मिनिमम, तो दोनों के लिए हम यूज करते हैं, जिसके भी पूछे और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसमें हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट। अभी हमको टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो डी आई बाई डी टी दैट बिकम्स, दैट शुड बी इट इफ इट्स इन दिस पार्ट, करंट शुड बी मैक्सिमम, देन दिस कंडीशन इज फुल्ली अप्लाइड, दैट इज डी आई करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बस अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन में आपका सिंपल सा बात है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा डी आई बाई डी टी, इधर हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपसे पूछा है टाइम का ये फंक्शन है, करंट टाइम का फंक्शन, तो यहां से वी बाय आर ये तो कॉमन ही होगा। अब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, माइनस टी बाय आर बाय टू एल। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें इस वाले पार्ट के, तो यहां पे हो जाएगा सिंपल सा बात है माइनस आर बाय टू एल,
एग्जैक्टली उसका भी डिफरेंशिएशन वही होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जीरो पुट कर देंगे, माइनस ई का पावर टी बाय आर बाय एल, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हुआ एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, फिर पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, और पावर का क्या हो जाएगा, यहाँ से टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आर बाय एल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करना फिर लास्ट में, जीरो, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी आई बाई डी टी, दैट शुड बी जीरो, तो यहाँ से आपका जीरो आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा। अब बस इसको आप क्या करें, इजी कर ले, तो इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन क्या क्या है, वी बाय आर, आर बाय एल, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई का पावर टी इंटू आर बाय टू एल। अब ध्यान से देखिए, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ से अब हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा ई का पावर, और ये वाला पार्ट में यहाँ पे वन बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ई का पावर माइनस टी इंटू आर बाय एल। तो इसको अगर थोड़ा सा इजी करेंगे तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉमन आपको दिख रहा है आर बाय एल, तो जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ ई का पावर, ये इसका डबल, तो सिंपल सा बात है, इसको थोड़ा